अस्सलामुअलैकुम। ये लकड़ियाँ अभी हमने जलाई हुई हैं, ये देख के लिए। अब देख, आज हम क्योंकि आज है ये 10वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम के लिए अभी हमने लकड़ियाँ जलाई। थोड़ी देर बाद इसमें देख भी डाली जाएगी। ये देख हमने, ये सामने ये वाली देख है जो तैयार करके रखी हुई है, ये भी आप देख रहे होंगे। ये देख, और ये अभी यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं। ये सामने ये झाड़ू उठा के लेके जा रहा है। ये सामने लकड़ियाँ अभी हमने और मज़ीद इकट्ठी कर रहे हैं। तो अब ये देख रखी गई है, ये सामने आपको नज़र आ रही होगी। ये है हमारे वो कुक आबिद, ये अभी बनाएंगे देख। और अभी ये देखें, नुमान का एक नुमान भी है, वो कह रहा है आबिद को दिखाया। अब उसकी फरमाइश है, अगर वो अब आप सब खुद आई विटनेस होंगे, जो लोग देख रहे हैं वो सब आई विटनेस होंगे कि उस बंदे ने खुद क्या क्या कि मुझे सिर्फ आबिद को दिखाएं, मुझे ना दिखाएं। अब ये देखें, आबिद जो है उसने पहले से अभी वो देख की कड़छी जो है उठा ली है। ये वो चीज़ें जो अभी हमने पहले से देख के लिए तैयार की हुई हैं सारी। ये है पुलाव का मसाला, और इसके साथ हमने अचार भी ऐड किया हुआ है। ये पुलाव का मसाला, ये देखिए अभी देख अभी इन्होंने बनानी शुरू कर दी। अभी देखिए ये सारा अभी ये पैकेट पे डाल रहे हैं। सोच होंगे कि मैंने अपनी क्यों नहीं आ रही थी फ़ोटो। अब आप ये देखें, मैं भी सामने हूँ और देखें, और मैं उसी ब्लैक शलवार कमीज में हूँ, और पीछे है वही आबिद जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दी। अभी भी बेचारा वो अभी बड़ा मसरूफ़ है, सोच रहा है कि अभी तक ये तेल पूरा अभी निकल क्यों नहीं रहा पैकेट से। अब ये देखें प्याज और टमाटर ये सामने अब आ गए, और थोड़ी देर में इनको भी डाला जाएगा। पहले तो सिर्फ प्याज और टमाटर थे, अब ये दूसरा जो पुलाव का मसाला जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको किचन के अंदर जो दिखाया था वो भी अब आ गया ये सामने। ये शीट आगे इसलिए रखी गई है क्योंकि बात यह है कि ताकि आग से ये इधर ना आए। अब ये देखिए ये सामने डालें इसमें प्याज भी, और अब आप ये देखिए अब बताएं। ये है सामने मोमिन, ये मोमिन जो अब ये लकड़ियाँ वगैरह जो है इकट्ठी करके ये डाल रहे हैं। अब ये देखिए कितना मुश्किल होता है लकड़ियाँ बनाना। ये सामने देखें, अब इन्होंने इसके अंदर अब ये छोटी छोटी लकड़ियाँ करके अब ये नीचे डाल रहे हैं। अब ये देखें पीछे तो किस तरह ये है मोमिन जो अभी ये लकड़ी जो है वो काट रहे हैं, और अभी ये साथ में पीछे है मेरे आबिद, वो अभी अंदर जा रहे हैं बाकी के ये देख के सामान लेने के लिए। आप करें ये सामने अभी अब पुलाव मसाला वगैरह ये अभी डाला गया आपको नजर आ रहा होगा। ये बाकी का भी डाला जा रहा है। ये सामने अभी चने डाले गए हैं। नुमान हेल्पर टू कुक, ये सामने डाला गया इमली आलू बुखारे की चटनी। आबिद वापस आ गया, पहले वो हेल्पर टू कुक था नुमान, अब वो वापस आ गया और आके अपनी जिम्मेदारी वापस ली है। ये अब गोश्त भी डल गया, ये गोश्त जो डाला गया ये है गाय, ये है बीफ। अब ये देखिए अब और पानी डाला गया है।
अब ये और पानी डाला गया है। अभी इस पानी ये पानी डालने के फौरन बाद ही अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चावल भी इसके अंदर ही डाले जाएंगे। अब इसे ढक्कन से ढका गया और उसके थोड़ी देर बाद इसमें चावल डाले जाएंगे। नमक अभी थोड़ा जायके के साथ आप कभी डाला जाएगा। ये अब चावल आए हैं, अब ये चावल अंदर डाले जाने वाले हैं। अब ये सामने अब इसे दम पे रखा जा रहा है और इसके फौरन बाद ही बेलचा कुछ हो गया। अब इसे दम पे रखा गया और बाकी की ये जो है लकड़ियाँ ये अब हटाई जा रही हैं और ये अब इसके ऊपर अब हम एक हैवी चीज़ डाल रहे हैं ताकि अब वो दम पे आ जाए। ये अब दम जो है अब इसका उठ रहा है ये सामने से और ये अब देखें ये पुलाव तैयार। ये सामने देख लिया आपने, पुलाव तैयार।